इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 समिट के वजह से यहाँ हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रभाव की खूब चर्चा हो रही है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन जिस तरह से यहाँ हिंदुत्व की विरासत को सहेज कर रखा गया है वह काबिले तारीफ है। एक तरफ जहाँ बाली की रामलीला मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर से लोग यहाँ के मंदिरों के दर्शन के लिए भी आते हैं। पीएम मोदी भी जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंचे तो उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों का जिक्र किया। भारत और सनातन धर्म को मानने वालों का इंडोनेशिया के साथ एक गहरा जुड़ाव रहा है। यहाँ भगवान राम, कृष्ण और गणेश का बहुत प्रभाव दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुस्लिम बहुल देश में भगवान राम के लिए एक खास जगह और सम्मान है। इंडोनेशिया में तो राम कथा यानी रामायण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहा जाता है कि इस देश के मुस्लिम भी भगवान राम को अपने जीवन का नायक और रामायण को अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं। भारत में आदिकवि ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को मान्यता दी गई है। वाल्मीकि रामायण में एक जगह किष्किंधा कांड का वर्णन है। सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए अपनी सेना को यव द्वीप और सुवर्ण द्वीप भेजा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंडोनेशिया का जावा और सुमात्रा ही वह जगह है। मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में आज भी रामायण का इतना गहरा प्रभाव है कि देश के कई इलाकों में रामायण के अवशेष और रामकथा के चित्र का पत्थरों पर नक्काशी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। भगवान राम और अयोध्या के प्रति विशेष स्नेह और सम्मान की एक और झलक आपको तब साफ तौर पर दिखाई देगी जब आप इंडोनेशिया के एक बड़े शहर योग्यकर्ता का नाम सुनेंगे। इस शहर का नाम अयोध्या के नाम पर पड़ा है। आदि पुराण में कहा गया है कि अयोध्या अपनी समृद्धि और कौशल के कारण प्रसिद्ध रहा है। इंडोनेशिया के शहर योग्यकर्ता का नाम भी इसी आधार पर रखा गया है। योग्य का मतलब होता है उपयुक्त यानी योग्य, और कर्ता का मतलब समृद्धि बरसाने वाला। इस तरह योग्यकर्ता का नाम भगवान राम की नगरी के नाम पर रखा गया। भारत में जहाँ भगवान राम की नगरी या जन्म स्थल अयोध्या है, वहीं इंडोनेशिया में इसे योग्या के नाम से जाना जाता है। यहाँ राम कथा को ककनी या काकावीन रामायण कहते हैं। इंडोनेशिया में जो रामायण प्रचलित है वो 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में भगवान राम जी के पिता दशरथ को विश्वरंजन कहा गया है। यहाँ गली गली में रामायण के प्रसंग सुनाई देते हैं। 1973 में इंडोनेशिया सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन भी किया था, जो अपने आप में बेहद अनूठा माना गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब घोषित रूप से कोई मुस्लिम राष्ट्र पहली बार किसी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ के सम्मान में इस तरह का कोई आयोजन कर रहा था। इंडोनेशिया में रामलीला के मंचन का भी बहुत महत्व है। बाली की रामलीला तो सबसे ज़्यादा मशहूर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि एक बार इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के समय पाकिस्तान का एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, तो उन्होंने उन्हें रामलीला दिखाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर कथित तौर पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने उनसे पूछा कि एक इस्लामिक देश में रामायण का मंचन कैसे हो रहा है। इस पर सुकर्णो ने जवाब दिया, इस्लाम हमारा धर्म है लेकिन रामायण हमारी संस्कृति। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।